इस लिवर सीरीज़ में हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम, वो थी लाइकोपोडियम, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी, चेलिडोनियम। तो ये दो मेडिसिन्स जो हैं, इनके अपने अपने अलग इंडिकेशंस हैं, और आपके होम्योपैथिक डॉक्टर ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनको किस पोटेंसी में देना है, टिंचर में देना है, डाइल्यूशन में देना है। तो ये सारे डिसीजंस आपके होम्योपैथिक डॉक्टर के होंगे। तो इसीलिए कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें ये वीडियो देख के, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी हेल्थ कंडीशन में कौन सी मेडिसिन फिट बैठेगी। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए है वीडियो कि चेलिडोनियम जो है वो किन किन एलिमेंट्स में हेल्प करती है लिवर की, और क्या क्या उसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। सो चेलिडोनियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, और इसकी सबसे मेजर इंडिकेशन आती है येलो कलर। येलो कलर हमेशा लिवर के डिसऑर्डर्स में देखा गया है, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट है उसकी वजह से ये येलो कलर आ जाता है हमारी स्किन पे, टंग पे, आईज में। ऑल दो हमारा यूरिन ऑलरेडी ही येलो होता है, बट डार्क यूरिन भी जो होता है, एकदम डार्क येलो यूरिन होना, एकदम ऑरेंजिश कलर का होना, वो इंडिकेशन होता है कि आपका लिवर जो है वो हेल्दी नहीं है एंड इट नीड्स मेडिकेशन। सो चेलिडोनियम में बहुत ही बिटर टेस्ट होता है मुंह में, कड़वा, एकदम ऐसे लगता है कि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आप मीठा भी खाओगे तो भी कड़वा लगेगा, सॉल्टी खाओगे तो भी कड़वा लगेगा। सो बिटर टेस्ट इन माउथ इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इन चेलिडोनियम, जो कि लाइको में नहीं थी, लाइकोपोडियम में सार था टेस्ट। तो यही चीज़ें जो हैं आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसी वजह से होम्योपैथिक केस टेकिंग बहुत डिफरेंट होती है बाकी ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिंस के, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में एक एक चीज़ देखी जाती है। खासकर जब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं तो टंग, टेस्ट, आपका थर्स्ट, एपेटाइट, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन डिटेल। आपके स्टूल्स, क्योंकि कई बार स्टूल्स का कलर भी चेंज हो जाता है जब लिवर ठीक नहीं होता। तो अनदर इज़ बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस कहते हैं इसको, मुंह से गंदी बदबू आना और बहुत ही बैड ब्रेथ, कि जब आप बात भी कर रहे हो किसी से तो वो आपसे बात नहीं करना चाहता और उसको लगता है कि थोड़ा दूर हो जाऊँ, या अपने क्लोज कोई होता है तो वो तो बता भी देता है कि भाई तेरे मुंह से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये हमेशा इसलिए नहीं होता कि आपने ठीक से ब्रश नहीं किया, या फिर आपके मुंह से स्मेल इसलिए आ रही है कि कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी हो रही है कि जिसमें कि बैड ब्रेथ सबसे ज़्यादा मेजर प्रोमिनेंट होती है। सो अपने डॉक्टर से बात करिए कि आपको किस वजह से ये बैड ब्रेथ आ रही है। जब कभी आपका पेट ठीक नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, गैसेस, ब्लोटिंग, इन सब की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है बैड ब्रेथ की। और चेलिडोनियम में जो पेशेंट है वो मोस्टली गरम खाना मांगता है, उसको गरम ही अच्छा लगता है सब कुछ, गरम खाना, गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी, वो ठंडा उसको कभी भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो ठंडा खाना जब जाके स्टमक में सेटल भी होता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मोस्टली वो प्रेफर करता है कि उसको गरम खाना मिले और गरम चीज़ें वो पिए, जिससे कि उसको थोड़ा पेट में आराम मिलता है। और इवन जो वो पानी भी पीता है तो कई बार उसको गुनगुना करके पीता है कि भाई मेरे से ठंडा पानी नहीं पिया जाएगा, या मैं नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकता। फिर उसका जो पेट है उसमें दर्द बहुत रहता है। सो पेट में दर्द हो के वो पीछे की साइड जो है उसकी बैक में जाके असर करता है, और बैक और पेट दोनों में ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन आती है, हमने देखी है चेलिडोनियम के जो पेशेंट्स होते हैं, हिपैटिक एंड गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। देखिए लिवर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस एक डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम है एक्चुअली, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ में येलो कलर आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन। तो इस पर मैं एक और आपके साथ बैठूंगी, आपका एक और सेशन हम लेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लिवर की कंडीशंस में ये येलो कलर आना क्यों शुरू होता है, क्योंकि एक यही ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ही आईज एकदम, ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं स्क्लेरा का, तो उसमें एकदम येलोइशनेस आनी शुरू हो जाती है,
क्योंकि लिवर जो है मोस्टली रेड ब्लड सेल्स बनाने के, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन बनाने के काम आती हैं। तो जब लिवर अफेक्ट होगा तो ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट हो जाती है ये भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। सो देन कंडीशन आती है हिपैटोमिगैली, गॉल स्टोन्स, और बहुत लेटर स्टेजेस में जाके लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो लिवर से रिलेटेड हैं, और कई बार ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप बाहर आउटिंग करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्या खा पी रहे हैं। कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाटर फूड या ऐसा पुराना खाना, स्टेल कोई भी ऐसी चीज़ें, खासकर नॉनवेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिवर को हार्म करती हैं। तो लिवर की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, और रेगुलर बेसिस पे आपकी मंचिंग हो रही है बाहर, और आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कंटामिनेटेड वाटर है। आप कहेंगे मैंने तो मिनरल वाटर पिया था, मैंने तो ऐसा पानी ही नहीं पिया जिससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। बट जिस पानी से वो खाना बन रहा है, आपको या मुझे नहीं पता कि वो कहाँ क्या कंटामिनेटेड होगा ऑलरेडी, और किस तरीके का पानी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए कहते हैं जब बाहर का खाना खाते हैं तो बहुत ध्यान से खाइए, और बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत ही यंग एज में देखा गया है कि शौक में आके अल्कोहल कंजम्पशन शुरू हो गई है। अब तो वेप आ गया, स्मोकिंग वेप के थ्रू होने लग गई है। तो उनको ये समझ में नहीं आता बच्चों को कि क्या चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए और क्या कितनी क्वांटिटी में खाना पीना चाहिए। तो मैं सब पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि अपना पेरेंटल कंट्रोल ना छोड़ें बच्चों पे, और उनको गाइड करें प्यार मोहब्बत से कि क्या खाना पीना उनकी सेहत के लिए अच्छा है, और जितना हो सके घर पे अगर आप उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बना सकें। सो अपने अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी, जो कि अगेन एक लिवर रेमेडी है, वो डिस्कस करेंगे, कार्डस। सो कार्डस भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि कभी भी इन वीडियोस को देखें सेल्फ मेडिकेट ना करें, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, अपनी पूरी केस डिटेल्स दें, अपनी फैमिली हिस्ट्री दें, अपने ब्लड रिलेशंस में जो जो चीज़ें हैं वो बताएं, उसी बेसिस पे जाके आपके होम्योपैथिक डॉक्टर एक आपको अच्छी मेडिसिन दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।